रामायण के बाद रामानंद सागर का एक और सीरियल श्री कृष्णा जल्द ही प्रसारण होने वाला है। रामायण और महाभारत के दिखाए जाने के बाद से ही फैंस श्री कृष्णा को भी दोबारा दिखाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब दूरदर्शन जल्द ही इसका प्रसारण शुरू करने वाला है। हालांकि अब ये सीरियल कब शुरू होगा ये अभी तक नहीं बताया है। श्री कृष्णा पहली बार साल 1993 से लेकर 1996 के बीच दिखाया गया था। इतने सालों बाद श्री कृष्णा के कलाकार आज कहाँ है और कैसे दिखते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सर्वदमन दी बनर्जी ने कृष्ण का मुख्य किरदार निभाया था। अपने इस किरदार से सर्वदमन बनर्जी को काफी लोकप्रियता मिली थी। सर्वदमन ने आज टीवी शो और फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अब वो ऋषिकेश में रहते हैं और वहाँ के लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं और साथ ही एनजीओ को सपोर्ट भी करते हैं जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, श्री कृष्णा में हिमेश रेशमिया की पत्नी सोनिया कपूर भी नजर आई थी। उन्होंने कृष्णा की बहन सुभद्रा का किरदार निभाया था। शो में उनका छोटा सा ही रोल था। बता दें कि सोनिया ने कई सीरियलों और फिल्मों में काम किया हुआ है। फिलहाल आज वो इंडस्ट्रीज से बहुत ही दूर है। दोस्तों, पिंकी पारेख ने सीरियल में रुक्मणी, यमुना, लक्ष्मी और दुर्गा का किरदार निभाया था। पिंकी ने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया था। फिलहाल आज वे गुजराती इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा में कृष्ण की युवा व्यवस्था का रोल अभिनेता स्वप्निल जोशी ने निभाया था। श्री कृष्णा में काम करने के बाद स्वप्निल की जिंदगी रातों रात बदल गई। वो जहाँ कहीं भी जाते थे लोग असल जिंदगी में उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे थे। स्वप्निल इसके अलावा कई सीरियलों और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिलहाल स्वप्निल मराठी इंडस्ट्रीज का भी बड़ा नाम बन गया है। दोस्तों, सीरियल में शिव का किरदार निभाने वाले अभिनेता विजय कविश को लोगों ने खूब पसंद किया था। विजय कविश रामायण में भी शिव का किरदार निभा चुके हैं। आपको बता दें कि विजय कविश ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है। फिलहाल वो लंबे समय से किसी भी सीरियल या फिल्म में नजर नहीं आए हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा में यशोदा का किरदार अभिनेत्री दामिनी कनवाल ने निभाया था। सीरियल में उन्हें काफी पसंद किया गया था। बता दें कि दामिनी क्राइम पेट्रोल में भी नजर आ चुकी है। फिलहाल अभी भी वे इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। वैसे श्री कृष्णा सीरियल में किसका अभिनय आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।